पश्चिमी यूपी के जिन शहरों में पहले चरण में वोट डाले गए वहां वोटिंग के बाद से बिजली की कमी है और लोग परेशान हैं। लेकिन अब जो है वो वैसे ही जैसे पुराना होता था, 6-7 घंटे के लिए लाइट कट ऑफ हो जाती है। जब तक इलेक्शंस थे प्रॉपर हम लोग को लाइट फैसिलिटी सब मिल रहा था, जैसे ही इलेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं तब वही सब काम जो पहले चलता था वैसे ही शुरू हो गया। इसका तो मतलब यही हो गया कि जब तक आपका काम है आप लोगों ने काम किया, आपका काम ख़त्म हो गया आप लोगों ने वो सब चीज़ें छोड़ दी हम पे। इलेक्शंस जब आने लगे तो लाइट थोड़ी ज़्यादा रहने लगी, तो काफ़ी सही लाइट आ रही थी, बट जैसे इलेक्शंस ख़त्म हुए वी आर फेसिंग द सेम इशू। गाजियाबाद उन शहरों में से एक है जहां पहले चरण में यानी 11 फरवरी को वोट डाले गए थे। लोगों का कहना है कि 11 फरवरी के पहले जितनी बिजली मिलती थी अब वैसा नहीं है। रिहायशी इलाकों के साथ साथ इंडस्ट्रीज को मिलने वाली बिजली में भी कटौती शुरू हो गई है। गाजियाबाद इंडस्ट्रीज फेडरेशन के अध्यक्ष के मुताबिक पहले 24 घंटे बिजली मिलती थी और अब 20 घंटे मिलती है। वो इसकी वजह भी बता रहे हैं। कारण यह है कि जहां पूरब में इस समय चुनाव नहीं हुआ है तो वहां पर ये लोग हमारी वेस्ट की बिजली काट के आपूर्ति कर रहे हैं चुनाव की वजह से, जो कि गलत है। हालांकि बिजली विभाग इन शिकायतों को सही मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा गाजियाबाद में अभी हम लोगों ने 3 दिन का एक शटडाउन लिया था। ये मेट्रो का क्रॉसिंग, मेट्रो जो आपका साहिबाबाद की तरफ एक ट्रांसेंडेंट एरिया में, जरूर 3 दिन थोड़ी सी डिस्टरबेंस रहा, बाकी ओवरऑल बिजली हमारे यहाँ सही है। गाजियाबाद की ही तरह उत्तर प्रदेश के मथुरा और अलीगढ़ में भी पहले ही चरण में वोट डाले गए थे। इन शहरों के लोगों का भी यही कहना है कि चुनाव के बाद से उनके यहाँ बिजली कटौती बढ़ गई है। इलेक्शनों के टाइम पे सही आई है, उससे पहले भी बेकार आ रही थी लाइट, तो और अब इलेक्शन हो गए फिर ऐसी आ रही है, अब सुबह से अब भी नहीं आई बत्ती। चुनाव से पहले 10-12 घंटे लाइट चलती थी और चुनाव के बाद तो थोड़ी अब दिक्कत आ रही है, 8-6 घंटा के लगभग चलती है, कभी आती है कभी जाती है। 4 से 11 तारीख तक के बीच में बिजली बढ़िया आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, मगर 11 तारीख जैसे ही यहाँ चुनाव खत्म हुए 11 तारीख को, उसके बाद से बिजली डेली कट हो रही है, 2-3 घंटे के लिए डेली जा रही है। पहले तो करीब 18 से 20 घंटे आ रही थी, 20 घंटे करीब, और अब तो काफी लाइट कट है। हालांकि गाजियाबाद की ही तरह अलीगढ़ का प्रशासन भी बिजली कटौती की बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन एबीपी न्यूज की पड़ताल में इन शहरों के कई इलाकों में पहले से ज्यादा बिजली कटौती की बात सामने आई।